Good evening, everybody. Welcome to tomorrow's view of Nifty and Bank Nifty with the Invisible Trader. वीडियो चालू करने से पहले अगर वीडियोज़ आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ये हफ्ते कुछ लर्निंग वीडियोज़ आएंगे. ऑप्शन ए टू जेड सीरीज़ का सिर्फ एक या दो ही वीडियो बने हैं. अभी मैं चालू करूँगा उसको थोड़ा बिकॉज मैं ट्रैवलिंग कर और तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी आज. तो टुडे आई वाज सिक, सो ट्रेड तो नहीं किया मैंने, बट आई वाज लुकिंग एट द चार्ट हियर एंड देयर थोड़ा थोड़ा. तो आज का डिस्कशन तो हम करेंगे नहीं, मैं ये फटाफट कर दूंगा क्योंकि आज तो जो हो गया, जिसका भी जो हो गया होगा हो गया होगा, इट्स डन राइट. टुमोरो आई एम एडिंग टू मोर लेवल्स टू माई लेवल्स. ये जो पिंक लेवल्स है, ये जो आपको ऑलमोस्ट 90% 95% की एक्यूरेसी देंगे अगर आप बहुत बहुत सेफ ट्रेडर हो. ठीक है, बाकी गैम्बल करने वाले तो गैम्बल कर लेंगे प्राइस एक्शन पे. फिर सेफ सेफ ट्रेडर, कभी ये सिनारियो आता है तो कर लेना ये. ठीक है, डू. डेटा आज हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये न्यूज़ बेस्ड मार्केट है. दो दिन हो गया है वैसे, अभी टेक्निकल्स पे काम करना चाहिए. तो आई एम होपिंग कि कल लेवल के हिसाब से डेफिनेटली ये काम करेगा. तो आज हम ना OI डेटा देखेंगे, ना कोई चार्ट देखेंगे, ना कोई रेंज देखेंगे. ठीक है, बिकॉज पिछले दिन से जैसे जो बिहेव कर रहे हैं उसका कोई भरोसा नहीं कहाँ क्या चला जाए. बट इतनी गारंटी है कि लेवल के बेसिस पे अगर आप काम करोगे तो एटलीस्ट आपको नुकसान नहीं होगा. एटलीस्ट समझ भी आएगा मुझे एंट्री कहाँ लेना है. यू विल अंडरस्टैंड कि एंट्री कहाँ लेना है और एग्जिट कहाँ करना है. ठीक है, तो आज खाली इसी चार्ट के ऊपर पूरा वीडियो करेंगे और ख़त्म भी इसी पे ही कर देंगे. 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे. वॉइस थोड़ा शोर है तो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट अगर आवाज़ ढंग से नहीं आ रही है. बट मैं सोचा रात को नींद नहीं आ रही थी तो सोचा वीडियो डाल ही देते अगर किसी को कुछ बेनिफिट हो जाता है तो. लेवल्स में शेयर कर दूंगा एज यूजुअल इन द चैनल. तो कल का मेरा जो व्यू है, ये जो CPR है, CPR अपना असेंडिंग है. ठीक है, तो पिछले 3 दिन से दिस वॉज इन ए बियरिश मोड. 3 दिन के चार, हाँ ये 1 2 3. ठीक है, ये 3 दिन से ये जनरली ऐसे डिसेंडिंग मोड में था. अभी ये क्या है, थोड़ा एनगल्फिंग मोड में है. ठीक है, तो ये CPR कल के CPR के अंदर है जब वैसा सिनारियोज आता है. ठीक है, एंड जनरली ये फील अभी तक हुआ नहीं. ये ट्राई किया था आज फील करने को, मैंने कल वीडियो में बोला था ये ट्राई करेगा राइट. बट यहाँ पे किसी को बुलिश नहीं होना था. ये जैसे ही प्राइस रिजेक्शन दिया तो यहाँ से CPR लेवल यहाँ था शायद, यहाँ से यहाँ तक तो प्रॉफिट बुक कर ही लेनी चाहिए थी. ये सरप्राइज हो सकता था, दिस वॉज ए कॉन्फिडेंट ट्रेड. एनी वे मैंने तो नहीं लिया. तो ये ऊपर तो आएगा, कभी ना कभी आएगा. ठीक है, बट मेरे हिसाब से कल जो सिनारियोज हैं, कल शायद ये ट्राई करे. जब भी कोई चार्ट ऐसी बनती है, ठीक है, जहाँ पे ये थोड़ा इनिशियली रिवर्सल का सिग्नल देता है, ये एक कैरेक्टर ऑफ द इंडेक्स है. मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, दिस हैज नथिंग टू डू विथ टेक्निकल्स. तो तब ये एक रिवर्सल का साइन देता है. तो मुझे जो लगता है कल ये रिवर्सल साइन देगा. अगर कल ये बुलिश रहा तो थर्सडे भी ये बुलिश रहेगा. शायद एक्सपायरी में यू विल सी मार्केट्स न्यू हाई. ठीक है, मेरा बट थर्सडे एक्सपायरी के बाद थर्सडे को करेंगे, आज का कल का कर लेते हैं. तो ये मोस्टली चार्ट पैटर्न से मेरे को रिवर्सल का साइन दिख रहा है. और आपको अगर दिखेगा ना, ये सेम लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर उठा है, इसके नीचे वो गिरने को रेडी नहीं है. कल मैंने एक लेवल दिया था विच इज 31,195 है ये. मैंने 31,100 दिया था, अराउंड 100 लेवल बिलो, अराउंड हियर. यहाँ तक आया नहीं, मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. राइट, 31,100 इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. आज ही देखो 31,195 से रिटर्न किया है. ये भी अराउंड 31,150 से रिटर्न किया है. 50 पॉइंट, ओनली 50 पॉइंट्स डिफरेंस है. ठीक है, तो ये जो टुमोरोज जो S1 है 31,128, ठीक है, ये बहुत खतरनाक लेवल है. जैसे मैं बोला, हम डेटा कुछ देखेंगे नहीं, सिर्फ लेवल पे काम करेंगे. अगर लेवल पे हमें काम करना है, कल दो सिनारियोज है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बुलिश मतलब ट्रेंड रिवर्सल का सिनारियो है तो शायद ऊपर आ जाएगा. आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. मार्केट कल किसी वजह से गिर भी जाता है तो कॉन्फिडेंट ट्रेड हमें कहाँ लेना है, व्हेन वी आर गोइंग टू डू एंटर. आज चार्ट में अगर आप देखोगे, आई हैव एडेड टू लेवल्स हियर, पिंक लेवल्स. ये एक लेवल डाला है मैंने ऊपर, एंड दिस इज ऑन डाउन साइड.
ठीक है, ये 100% श्योर लेवल से, ऑलमोस्ट मैं 90-95% मानता हूँ, कभी कभी फेल होते हैं ये जो लेवल दिया है, कल अगर ये गैप डाउन होता है, ठीक है, सिनारियोस गैप डाउन अगर होता है और ये पिंक लेवल काट देता है, ठीक है, ये देखो ये पिंक लेवल जो है और ये जो टुमरोज L1 बाइंग सेलिंग ब्रेकआउट दोनों ऑलमोस्ट सेम है, तो आप पिंक लेवल को लेके चलो जो सेफ है। सो पिंक लेवल इज 31195, अगर ये 31195 कल दो या तीन कैंडल में काट देता है, जैसे यहाँ पे काटा था आज, ठीक है, दो मिनट के कैंडल पे गैप डाउन किया, 215 मिनट कैंडल कट किया पिंक को, ये लेवल देख लो 31195 अगर काट दिया और 5 मिनट तक सस्टेन किया, लुक फॉर ओनली फॉर 5 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट तक इसने सस्टेन किया तो बिंदास यहाँ पे शॉर्ट करना, स्टॉप लॉस लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कल, ठीक है, टुमारो वी डोंट नीड इवन स्टॉप लॉस, अगर गैप डाउन सिनेरियो होता और ये पिंक लेवल कटा 31195, ठीक है, तब बिंदास यहाँ तक शॉर्ट करना। मैंने तो आज S3 नहीं लगाया, इसके नीचे भी शायद चला जाए, बट 30834 अगर ये काट दिया देन 30600 इज व्हाट आई विल लुक एट, सो इट विल कम डाउन, यहाँ अभी कितने में है, 400 में है, ठीक है ना, दैट इज 31400 में है, इसको क्लोज कर देते हैं, 400 में है, 600 पॉइंट्स तो मैं लेके चलता हूँ अगर गैप डाउन हुआ ना और ये पिंक लेवल काटा तो 600 पॉइंट आराम से ये आएगा, उसके बाद जय माता दी, माता जी का आशीर्वाद होगा तो ये 600 तक भी जाएगा, मतलब कल 400 से 400 प्लस 600 इतना तो नहीं जाएगा, 1000 पॉइंट मतलब 800 पॉइंट नहीं गिरेगा, पर गिरने को गिर सकता है, ठीक है, हम लोग यहाँ तक करेंगे, सिनेरियो में बता रहा हूँ बस, अगर यहाँ पे, बट मुझे डाउन साइड में कम लग रहा है चार्ट पैटर्न और मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से, ओके, बट बाई चांस अगर ये गिरा तो मैंने लेवल दे दिया, ये लेवल अगर काट दिया ना तो आंख मूंद के बिंदास विदाउट एनी स्टॉप लॉस शॉर्ट कर देना, ठीक है, वैसे स्टॉप लॉस लगाना मैं बोलने को बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करना, बट मोस्ट प्रोबेबली ये नीचे जाएगा यहाँ तक 800 कल देखोगे, अगर ये नहीं होता है ऊपर जाता है गैप अप सिनारियो में, गैप अप सिनारियो में हमारे चांसेस बहुत कम है, गैप अप सिनारियो में सियो शॉर्ट लेने के लिए इसको 31800 के आसपास जाना पड़ेगा, तो गैप अप साइड में श्योर शॉट कोई ये नहीं है भाई जान, 800 पॉइंट 400 पॉइंट गैप अप नहीं करेगा, बट अगर बाई चांस कर देता आज जैसे किया था ऐसे, ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे इट्स अ ह्यूज वन, राइट, 800 तक गया था तो 600 पॉइंट गैप अप किया था इसने, ठीक है, और उसके बाद ये प्राइस रिजेक्शन मिला, यहाँ पे तो शॉर्ट बनता ही था, रिजेक्शन मिला तो गिर जाता, यहाँ पे शायद बुल्स थक गए थे 600 पॉइंट गैप अप करने के बाद क्या खींचेंगे वो मार्केट हो, है ना, बट कल अगर आप सोचो कि 600 पॉइंट गैप अप कर भी दिया तो कल यहाँ शॉर्ट मत कर देना, ठीक है, देखना क्या चीज़ देखना, ये लेवल देखना पिंक वाला 31853, अभी कितना है 400 में, तो 450 अराउंड 450 लेवल गैप अप करना चाहिए अगर कल 400 पॉइंट गैप अप करता है और इसको सस्टेन करता है 10 मिनट्स, जस्ट 10 मिनट्स, फिर नीचे आना ही मत, ठीक है, ये 90-95% एक्यूरेट लेवल दे रहा होगा, इसके नीचे आने का ही नहीं है फिर, आज जैसे सोच लोगे कि ये तो 600 पॉइंट ऊपर उठ गया तो व्यस्त थक गए बुल्स थक गए तो गिरा दिया, ये कल गिराएंगे नहीं अगर इसके ऊपर सस्टेन किया, हाँ इसके नीचे अगर कहीं भी प्राइस रिजेक्शन मिला, ये R1 वगैरह भूल जाओ, ठीक है, इसके नीचे अगर कहीं प्राइस रिजेक्शन मिला ये पिंक लेवल के नीचे, ये कहीं पे भी हो, R1 के नीचे हो, R1 के ऊपर हो, यहाँ पे हो, पिंक लेवल के नीचे, कहीं पे भी आपको रिजेक्शन मिला गैप अप के बाद तो ठोक देना बिंदास, ठीक है, तब आप शॉर्ट कर सकते हो, बट इसको अगर क्रॉस कर दिया तो शॉर्ट नहीं करना, ओके, आप भले ही ट्रेड मत लेना, मैं जो बोल रहा हूँ देख लेना एक बार, बट शॉर्ट मत करना अगर इसके ऊपर सस्टेन किया तो, ठीक है, अगर इसके ऊपर सस्टेन किया ना तो क्या पता कल ये भी पार कर जाएगा 32,134, 38 जो मैंने लेवल दिया, ठीक है, गैप डाउन के सिनारियो याद हो गए, गैप अप के सिनारियो याद हो गए, अगर फ्लैट ये ओपन होता है, ठीक है,
अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो मोस्टली ये थोड़ा बहुत करेगा, बट जो मेरा इनिशियल व्यू था कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का साइन आपको दिखेगा अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न, मेरा व्यू है, रॉन्ग भी हो सकता है, तो उस केस में देख के करना हो, प्राइस एक्शन पे करेंगे, मैं लाइव में देखूंगा, अगर कुछ आप लोगों को दे सकूं, जैसे ये नीचे आके ऊपर जा सकता है, ठीक है, या फिर थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आएगा, फिर ऐसे ऐसे करेगा, रेंज बाउंड भी रह सकता है, बट ज़्यादा ये गिरेगा नहीं, ज़्यादा ये तभी गिरेगा जब ये लेवल काटेगा दोनों का, ठीक है, 32,213 देन 31,195, अराउंड 30 लेवल पॉइंट्स का डिफरेंस है, ये दोनों काट दिया फिर डोंट स्टे बियरिश इन द बुलिश इन द मार्केट। मैंने बोला था आज खाली इसी लेवल पे ही बात करेंगे, सिमिलरली निफ्टी का भी बता देता हूँ आपको, निफ्टी का जो पॉइंट है काटने का, अगर ये 12,060 काटा गैप डाउन सिनारियो में, सॉरी ये 12,011 देन 12,005, ओनली 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो 5 तक आप वेट कर लो, ठीक है, 12,005 अगर गैप डाउन में 12,005 को अगर इसने काटा और 10 मिनट सस्टेन किया, 5 to 10 मिनट्स ओनली, क्या पता जोर से ही गिरा दे, तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो जैसे ही ये काटा 2 मिनट का कैंडल लगा लेना, 15 के जगह 15 मिनट की जगह 2 मिनट्स का कैंडल लगाओ, 2 मिनट भी ये सस्टेन किया था, स्टॉपलेस लगा के शॉर्ट कर देना बिंदास ब्लाइंडली, फिर हम यहाँ देखेंगे 11,923। मैंने बोला था आपको याद है कल का लेवल 11,900 इज ए ह्यूज 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 सपोर्ट, तो ये यहाँ तक आएगा, यहाँ से शायद रिवर्ट करे, ठीक है, 900 तक जाएगा मैक्सिमम अगर गैप डाउन सिनेरियो होके ये लेवल काटता है तो, अगर बट जैसे मैंने बोला मुझे कल का व्यू जो लग रहा है वो बियरिस का नहीं है, ये ट्रेंड रिवर्सल का व्यू है मेरा, सो शायद ट्रेंड थोड़ा रिवर्ट हो जाए कल से, कल तो ओवरऑल ही बुलिश ही रहेगा, साइडवेज रह के बुलिश ही क्लोज कर दे, ठीक है, वो दैट इज द एक्चुअल व्यू फॉर टुमारो, बट हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो नीचे आया तो ये सिनारियो, ऊपर गया तो सेम सिनारियो, पिंक लेवल मैंने दिया है, इट हैज टू क्रॉस 12,151 टू स्टे अबव एंड नेवर कम बैक, ठीक है, इसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो इट इज नॉट गोइंग टू कम बैक टुमारो, मोस्ट प्रॉबली डे आफ्टर टुमारो थर्सडे ऑल्सो, ठीक है, थर्सडे रेंज बाउंड हो जाए शायद, बट कल आर वन मत देखना, ये पिंक लेवल देखो और आर वन, और अगर गैप अप होता है और यहाँ से कहीं से प्राइस रिजेक्शन मिलता है, यहाँ से इसके बाद मिल सकता है, जैसे टुमारो हाइज जो है प्रिडिक्टेड वाला, ये तो आजकल मार्केट हिला ही दे रहा है पूरा, तो इसको इग्नोर कर दो, इसके ऊपर भी यहाँ प्राइस रिजेक्शन मिला, यहाँ प्राइस रिजेक्शन मिला, यहाँ प्राइस रिजेक्शन मिला, जहाँ पे प्राइस रिजेक्शन मिला वहाँ पे शॉर्ट करना, ठीक है, अगर ये कल ऊपर मूव करता है धीरे धीरे, जैसे यहाँ पे ओपन हुआ तो बाय कर सकते हो, बाय करना बट लॉन्ग मत रहना, स्काल्पिंग करना, ठीक है, बाय करना जितना भी पॉइंट मिले, जहाँ पे रिजेक्शन दिख रहा है पहला 2-3 मिनट कैंडल वाले में, वहीं पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, क्योंकि वहाँ से फिर गिरेगा ये, ठीक है, अगर ये उठता जा रहा है उठता जा रहा है उठता जा रहा है फिर तो ठीक है, जब तक आपका प्रॉफिट ग्रीन में है, नंबर ग्रीन में है, तब तक तो टेंशन नहीं है, रुके रहो, तो जब तक धीरे धीरे गिरेगा, रिजेक्शन मिलेगा वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है, रिजेक्शन देखते ही, एंड अगर इसके ऊपर चला गया बाई चांस और सस्टेन कर गया, फिर तो कल मार्केट नीचे आने वाला नहीं है, वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट मेरा जो कल का व्यू है शायद ये ऐसे थोड़ा गिरा के ये ना काटे शायद, और यहाँ से थोड़ा 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 पुलिस करे धीरे धीरे जाए, अगर वाइल्ड मूव नहीं देता है, ठीक है, अगर वाइल्ड मूव ऊपर साइड देता है, ये मैंने पिंक लेवल दे दिया, ये ड्रॉ कर लेना, इसके बेसिस पे गेम खेलना, चाहे भले कल ट्रेड मत करो, ठीक है, पेपर ट्रेड कर लो, बट ये लेवल को ध्यान में रखना कल बहुत हेल्प करेगा, अगर आप ट्रेड भी कर रहे हो तो, ठीक है, नहीं बोलूँगा नहीं बोलूँगा बोल के 15 मिनट बोल दिया, चलो ठीक है, मैं लेवल शेयर कर दूंगा चैनल पे, कल लाइव में मिलेंगे, कल मैं थोड़ा ट्रेड करूंगा फॉर श्योर, ठीक है, चलो थैंक यू।